उत्तराखंड में मॉनसून सीजन के दस्तक देते ही आसमान से आफत की बारिश होने लगी है। उत्तराखंड में मॉनसून सीजन ने अब अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में भारी बारिश से लोगों की जान को किसी भी तरह के नुकसान से बचाना सरकार और प्रशासन दोनों की ही जिम्मेदारी है। हाल ही में मौसम विभाग ने कुमाऊं क्षेत्र में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं गढ़वाल क्षेत्र में भी लगातार बारिश हो रही है। आइए देखते हैं उत्तराखंड सरकार भारी बारिश के लिए किस तरह से तैयार है। आपदा प्रबंधन विभाग का अलर्ट, 4 दिन तक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। ग्राम प्रहरियों को किया गया सक्रिय। किस तरह तैयार है मौसम विभाग? उत्तराखंड में इस बार मानसून का मौसम पहले से ही सामान्य से ज्यादा प्रभावी रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसीलिए मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन भी लगातार चिंतित है कि जिस तरह से एक लंबी गर्मी बीत गई है और इस दौरान बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है, लेकिन अब मानसून के मौसम में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। ऐसे में नुकसान होने का भी अनुमान उतना ही लगाया जा सकता है। वहीं कुमाऊं क्षेत्र में 4 दिन तक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि अगले 4 से 6 दिनों के अंदर राज्य के सभी जिलों में बारिश देखने को मिल सकती है, जबकि कुमाऊं के पहाड़ों से सटे मैदानी इलाकों में सामान्य से ज्यादा बारिश देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कुमाऊं के पहाड़ी जिलों में मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। इतना ही नहीं, मौसम विभाग का कहना है कि कुमाऊं के साथ ही गढ़वाल में भी पूरे हफ्ते मौसम में नमी बनी रहेगी। ऐसे में मौसम विभाग का ये भी कहना है कि ये हफ्ता चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जिसमें रात के समय ज्यादा चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं। हमने बोला कि इस वीक जो अच्छी बारिश जो है, खासकर कुमाऊं में और साथ में फिर बाद में गढ़वाल में भी मिलने वाली है, और वेरी हैवी रेंस तो मतलब ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट दिख रहे हैं जो हमारे लेंस वाले या उनसे लगे हुए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट है हिल्स के, उनमें ज्यादा एक्टिविटी है, और फिर अंदर के डिस्ट्रिक्ट जो कुमाऊं रीजन के हैं उनमें भी अच्छी एक्टिविटी वो दिख रही थी। तो ये चीज बोली गई कि अभी सप्ताह या 5 से 6 दिन जो है अच्छी एक्टिविटी प्रदेश में है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ेंगी, उसके लिए बोला गया। और दूसरा चीज़ ये जो ऑब्जर्वेशन हम लोग का है वो ये है कि दिन के समय तो लोग चपेट में नहीं आते हैं, क्योंकि वो भी जाग रहे हैं, देख रहे हैं अपने आसपास जो है, या सूचना वगैरह भी उनको आदान प्रदान वो होता रहता है, तो इसकी वजह से फिर कोई चपेट में जल्दी से नहीं आ सकता है। लेकिन रात्रि के समय ये होता है कि जो उनको सूचना नहीं मिल पाती, एक बार आदमी सो जाता है तो उसके बाद उसको आप कुछ मैसेज भी जा भी रहा है अगर मोबाइल वगैरह पे जो कैब के थ्रू जाते हैं स्पेसिफिक लोकेशन वगैरह के लिए भी, तो वो नहीं देख पाता उस चीज़ को जो है। तो हमारा ये था कि इसमें अगर रात के समय में जो जो गांव में है कुछ लोगों को जो है ड्यूटी दे दी जाए कि भाई रात्रि के समय वो जागे थोड़ा, और जैसे ये 4 से 5 दिन का है ठीक है तो इसमें कर सकते हैं, नहीं तो मानसून सीजन में इस चीज़ को किया जा सकता है इम्प्लीमेंट जो है, जो खासकर विलेजेज जैसे हैं कि जहाँ ज़्यादा दिक्कतें हैं या जो ऐसे वनरेबल हैं थोड़ा जो है, वहाँ तो विशेषकर मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ की जा सकती है, और उसमें कोई बहुत ज़्यादा इवन मनरेगा के अंतर्गत ही जो है लोगों को एक रोजगार दे करके उसको किया जा सकता है। तो रात्रि के समय अगर कोई ऐसी एक्टिविटी दिखती है तो उसमें वो अलर्ट कर सकते हैं लोगों को, तो लोगों की जान बिल्कुल बच सकती है, और यही पहला उद्देश्य है कि जान बचे। वहीं उत्तराखंड में अगले एक हफ्ते के लिए मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट को देखकर आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट मोड में है। मौसम के अनुसार विभाग ने अपना पूर्व अनुमान दे दिया है, जिसे देखकर लगता है कि चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। इसीलिए अब विभाग ने ग्राम प्रहरियों को सक्रिय करने के निर्देश भी दिए हैं, साथ ही इसके संबंध में सभी जिला अधिकारियों को चौकन्ना रहने को भी कहा गया है, क्योंकि दिन में आपदाओं से बचा जा सकता है लेकिन रात में आने वाली आपदा से सबसे ज्यादा जनहानि हो सकती है, इसीलिए ग्राम प्रहरियों को रात में सक्रिय किया जा रहा है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट।